तो क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ योरिंग वेल। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथों में क्या है, तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग ही गया कि इसके अंदर क्या है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। बाय द वे, मेरे को छुपाना पड़ेगा, कहीं पे मेरा नंबर तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। सो लेट्स अनबॉक्स इट। ऐसी कुछ इसकी पैकिंग रहती है। सो दिस इज GoPro Hero 8, माय न्यू गैजेट, एंड इट्स फ्रॉम गैजेट वर्ल्ड 8। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग हाउ आर GoPro Hero 8 लुक्स लाइक। इसको अनबॉक्स कर दिया अभी। इसके अंदर तो ये पन्नी सी लगी है। सो बाकी देखते हैं बॉक्स के अंदर भी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो अंदर हमको मिल जाता है एक टेम्पर्ड GoPro Hero 8 का, और कार्ड मिल जाता है हमको गैजेट वर्ल्ड 8 का। सो थैंक यू गैजेट वर्ल्ड 8 मेरे को इतनी बढ़िया डील दिलाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे को क्या क्या डील मिली है। हमको साथ में एक ऑफ़र चला था इनके पास, ऑफर चलते रहते हैं इनके पास। आप बस इनको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इनका नंबर सेव कर लो। तो एक ऑफ़र में मेरे को ये जो उलानजी का केस है वो GoPro Hero 8 के साथ बिल्कुल फ्री में मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होगी। अभी इसका मैं प्राइस बताऊंगा आपको। आप इसका प्राइस देख के भी मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि भाई इतना कैसे। सो बॉक्स इज एम्प्टी नाउ, इसको साइड में रखते हैं एंड लेट्स अनबॉक्स। क्या करूँ, पहले उलानजी का केस देख लेते हैं, उसके बाद GoPro पे जाते हैं। सो उलानजी का केस ऐसा कुछ दिखता है भाई। अनबॉक्सिंग में बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा हूँ मैं। सो ऐसा कुछ उलानजी का केस है भाई साहब। व्हाट अ क्वालिटी मैन, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी इस केस की। तो ज़्यादा कुछ इसमें देखने को है नहीं, ऐसा कुछ केस है उलानजी का। और एक लेंस प्रोटेक्टर है, तो इसको साइड में रखते हैं। कुछ उलानजी के बारे में है तो सब कुछ साइड में करते हैं। ओके सो लेट्स अनबॉक्स आर GoPro Hero 8। अभी तक मैंने भी नहीं किया था, कैमरे में पहली बार कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी। ऐसे कुछ पूरा का पूरा कैमरा बाहर आ जाता है और ये बॉक्स रह जाता है खाली। तो इसको साइड करते हैं, बिकॉज मेरे को तो पता है GoPro Hero के बारे में सब कुछ। तो ऐसा कुछ हमारा कैमरा है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ लुकिंग प्रीमियम। इसको बाद में चेक करते हैं, पहले अंदर के कंपोनेंट चेक करते हैं कि अंदर हमको मिलता क्या क्या इसके साथ। भाई खुलेगा कैसे, खुलेगा कैसे, यहाँ से खुलना था गाइस। ओके तो पहले हमको GoPro के स्टिकर्स मिल जाते हैं हर GoPro की तरह। कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं GoPro के, एक बड़ी सी मैनुअल बुक मिल जाती है। कौन पढ़ेगा इसको, फेंको इसको बाहर, कबाड़ी को बेच देंगे। एक चार्जिंग केबल मिल जाती है GoPro की, एक बैटरी मिल जाती है जो हमको इस पर इंसर्ट करनी है अभी, और एक माउंट मिल जाता है बस। नथिंग एल्स, कुछ है नहीं है, दिस नथिंग। तो अभी GoPro को चेक करते हैं। सो दिस इज समथिंग हाउ आर GoPro Hero 8 लुक्स लाइक। और लेट्स रिमूव दिस फिल्म ऑल्सो। गाइज मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, ट्रस्ट में। तो इसका मेरे को थोड़ा सा साइज़ GoPro Hero 7 से बड़ा लग रहा है। एंड दिस इज़ माई न्यू गैजेट, अभी ये मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके बाद, GoPro Hero 7 के बाद। आई डोंट नो खुलेगा कहाँ से, ये यहाँ से कुछ करके खुलता था, इसीलिए बोलते गाइस मैनुअल पढ़ लेनी चाहिए, खुल गया शायद। सो गाइस इसको ओपन करने के लिए मेरे को YouTube पे वीडियो देखनी पड़ी है। सो आपको भी एक बार मैं बता देता हूँ, ऐसे इन्होंने एक ऐसी ओपनिंग सी दी है, इसको हमको बस पुश करना है, ऐसे खुल जाएगा ये, और इसको बस ऐसे ओपन कर लेना बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस पता नहीं लग रहा था। तो लेट्स इंसर्ट बैटरी नाउ, और अपना जो GoPro 8 है उसको बूट करते हैं। भाई ट्रस्ट में मेरे को फील आ जा रही है, मतलब होता है ना जैसे नई नई चीज़ आती है जब आपके पास, तो कैसी फील आती है, बस सेम वैसी फील आ रही है। एंड भाई साहब इट्स क्वालिटी। सो गाइस टाइम वगैरह सेट कर लिया मैंने, और ऐसी कुछ इसकी क्वालिटी है। इसमें मोड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मेन बात वही है जिसके लिए मैंने इसको परचेज़ करा है। इसमें नाइट लैप्स का ऑप्शन भी आता है एक, जो हमको GoPro Hero 8 में मतलब पूरी सेटिंग्स वगैरह छेड़ के करना पड़ता है, बट इसमें पहले से बिल्ट इन आता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। ऑल्सो ये हमको 4K 60 FPS पे प्रोवाइड कर देता है, और मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसा कुछ दिखता है ये,
Now you will ask that why GoPro Hero 8? जब तेरे पास GoPro Hero 7 था, GoPro Hero 8 मतलब क्यों लिया तुमने? I know आपके दिमाग में ये थोड़ा सा मतलब आ रहा होगा कि why? तो साइड बाय साइड मैं GoPro Hero 7 को भी ले आता हूँ एंड फिर कंपेयर करते हैं इसको दोनों को और फिर मैं आपको प्राइसिंग बताऊँगा तो आप खुद मेरे को बोलोगे कि नहीं भाई तूने बिल्कुल बढ़िया किया है, बिकॉज अभी तक आप मेरे को देख के बोल रहे होगे कि भाई तूने गलती कर दी, तूने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। सो पहले GoPro Hero 7 लाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो दोनों कैमराज को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है और आप देख सकते हो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा मतलब जो GoPro Hero 8 है वो GoPro Hero 7 से बड़ा है। ऑल्सो जो लेंस है वो इसका थोड़ा सा अंदर और इसका बाहर है, बट इसमें आपको एक प्लस पॉइंट था कि अगर आपका लेंस वगैरह टूट जाता है तो रिमूवेबल होता है और रिप्लेसेबल होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये लेंस टूटता तो भाई साहब फिर तो पूरा कैमरा ख़राब हो जाता है, बट इसमें हमको थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी कम दी होती है, इसमें 2 पॉइंट कुछ की प्रोटेक्शन है जो ग्लास कार्ड की है, तो बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्ग ही है। ऑल्सो एक साइड प्रोफाइल इसकी देख लेते हैं कि साइड से क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें GoPro की ब्रांडिंग इधर आती थी, इसमें GoPro की ब्रांडिंग इधर आती है। बटन्स भी पहले राइट साइड आता था बट अब लेफ्ट साइड आता है। आज के ज़माने में जब GoPro Hero 9, GoPro Hero 10 लॉन्च हो गया थोड़े दिन पहले, मैं GoPro Hero 8 ले रहा हूँ, तो क्यों ले रहा हूँ मैं आपको वो भी बताऊँगा दैट वाई। सो क्वालिटी वाइज डिफरेंस देखा जाए तो ऐसी कुछ क्वालिटी है दोनों की। राइट नाउ इट्स ऑन 4K 60 FPS लीनियर पे, तो इसको स्टैंडर्ड पे रखें। तो ऐसी कुछ दोनों की क्वालिटीज है। आप GoPro Hero 7 की क्वालिटी को भी कम नहीं बोल सकते, बिकॉज इसको मैंने बैटरी मोड पे डाला हुआ है, बैटरी सेविंग मोड पे। इसकी ब्राइटनेस वगैरह मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, दोनों बढ़िया हैं। बट अभी मेन बात आती है दैट वाई GoPro Hero 8, जब तेरे पास GoPro Hero 7 था तो इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है अराउंड 22,000 rupees उलानजी केस के साथ, बिकॉज अभी ऑफर चला हुआ था और ये मेरे को मिला है गैजेट वर्ल्ड 8 पेज से। लेट मी शो यू द कार्ड, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आप विजिट कर सकते हो, इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, इंस्टाग्राम का हैंडल भी है, आप इनको विजिट कर सकते हो। नॉट ओनली GoPros, ड्रोन्स, मतलब जितने भी एसेसरीज होती है इनमें सब में डील करते हैं गैजेट वर्ल्ड 8 वाले, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया डील इन्होंने प्रोवाइड करी है। 22,000 में आपको नया नया GoPro Hero 8 मिलेगा विद 1 ईयर GoPro वारंटी, तो और क्या चाहिए। रिफर्बिश्ड की जो वैल्यू है वो भी 25,000 है GoPro Hero 8 की, आपको उससे कम मतलब 22,000 में आपको नया GoPro Hero 8 मिल रहा है, तो भाई साहब इससे बढ़िया डील मेरे को लग नहीं सकती थी। तो अभी मेरे पास 2 कैमरेज हैं और मेरे को ज़रूरत सिर्फ एक की है, सो मैं GoPro Hero 8 तो अपने पास ही रखूँगा, बिकॉज भाई नॉर्मल सी बात है, नई चीज़ तो अपने पास रखूँगा ना। तो GoPro Hero 7 का मैं अब गिव अवे अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो अब मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम देख सकते हो बिल्कुल नया नया है, कुछ एक सिंगल स्क्रैच नहीं है इसमें, टेम्पर्ड भी लगा हुआ है। तो ये मैं आप में से एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट करने वाला हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, यूट्यूब पे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है। जैसे ही इस वीडियो में 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे मैं इस GoPro का गिव अवे कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे रिवील करूंगा कि विनर कौन है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बस कुछ नहीं, अब प्यारा सा एक कमेंट कर देना बस, तो रैंडम जो कमेंट सेलेक्टर होते हैं उसमें सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे ही 10K होते हैं GoPro भाई साहब आपका है। सो आपको मैं एक वैसे बता देता हूँ कि जितना आप शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है, तभी जो रैंडम कमेंट सेलेक्टर है वो तभी आपको सेलेक्ट करेगा। सो इट्स अप टू यू, अगर आपको GoPro चाहिए तो शेयर करो वीडियो को, 10,000 व्यूज़ इसमें दिलवाओ। और आपको मैं एज अ ब्रदर ट्रीट करता हूँ, तो आपको गलत गाइड बिल्कुल नहीं करूँगा। GoPro Hero 8 मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा पसंद था, बट सिमिलर फीचर्स थे GoPro Hero 7 के। अगर आपका बजट इतना ही है, जैसे अभी मार्केट में GoPro Hero 7 आता है 27,000 का और GoPro Hero 8 आता है अराउंड 30,000 का, तो सिमिलर फीचर्स थे। तो अगर आप नया लेने जा रहे हो GoPro वालों से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा GoPro Hero 7 लो आप, बट अगर आप गैजेट वर्ल्ड 8 से ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दैट यू कैन गो फॉर GoPro Hero 8, बिकॉज 22,000 में आपको इतना बढ़िया डील मिलेगी, वो भी ओरिजिनल और न्यू, तो इससे बढ़िया डील कोई भी नहीं है। सो जल्दी से ग्रैब करो, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए GoPro Hero 7, GoPro Hero 9, GoPro Hero 10, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, ड्रोन्स भी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एक बार विजिट करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा सा मेरे को UI में चेंज लग रहा है GoPro Hero 8 के और ये ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं मेरे को। ऑल्सो इसमें कोई केसिंग वगैरह नहीं आती है, ये जो होल्डर है ये बॉडी में ही फिट होता है, तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, इतना भी बुरा नहीं है और हैवी एज़ कम्पेयर टू GoPro Hero 7। इसमें हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन भी 2.0 है,
तो स्टेबलाइजेशन आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी अब। बाकी गाइस थोड़ा सा मोटिव व्लॉग कर लूँगा मैं आपको वीडियो के एंड में, थोड़ा सा मोटिव व्लॉग देखने को मिल जाएगा। आप मेरे को बता देना कि आपको वीडियो क्वालिटी में अपग्रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑडियो क्वालिटी में अपग्रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो आपके ऊपर है। तो थोड़ा सा मोटिव व्लॉग भी कर लेंगे तो अब डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ बाइक पे। और गिव अवे में पार्ट लेना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बिल्कुल लेजिट है। जो भी बंदा डिजर्विंग होगा, जो भी बंदा मतलब सारे प्रोसेस फॉलो करेगा बढ़िया तरीके से, उसको मैं GoPro दे दूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा लकी है GoPro ये वाला मेरे लिए, बिकॉज इसने ही मतलब मेरे आज इतने सब्सक्राइबर्स करवाए हैं। सो मेरा लक आपको चाहिए तो पार्ट ले लो गिव अवे में, बाकी आपको मैं सीधा बाइक पर मिलता हूँ। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो डिफरेंस पता लग जाएगा क्वालिटी में, और अगर आपको भी एक डिफरेंस देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। आई जस्ट होप थोड़ा सा अपग्रेड लग रहा होगा ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिफ्यूल माय बाइक, बिकॉज पेट्रोल कम है भाई, ब्लिंक हो रहा है। एक स्टेबलाइजेशन में भी डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसा रिकॉर्ड कर रहा है ये, 2.5K पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 60 FPS पे। आई जस्ट होप गाइस वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको अपग्रेड फील हो रहा हो। बाकी गाइस GoPro 9 के प्राइसेस भी इनके पास बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं पहले GoPro 9 ही ले रहा था बट मेरा थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था, सो आई थॉट आई शुड गो फॉर GoPro Hero 8। तो बढ़िया है, बाद में अपग्रेड करने का सोच लेंगे, बिकॉज प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं है इनके। ऑल्सो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, एक साल की वारंटी है जो GoPro वाली होती है। सस्ते होने का रीज़न यही है कि ये बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। बाकी गाइस इट्स अप टू यू, मैं सिर्फ आपको एक एश्योरेंस दे रहा था एज अ बिग ब्रदर, आपको मैं गलत गाइड नहीं करूँगा, आपका लॉस मैं बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। मेरे को कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे हैं इनसे, इनकी तारीफ करने के, मेरे को सिर्फ जो सच बताना, जो मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप एक नए मोटिव व्लॉगर हैं, अरे 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 भाई घोड़ा जी गधा जी जो भी था, अगर आप एक नए मोटिव व्लॉगर हैं, आप नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं लेस बजट में, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में सब कुछ है। सो यू कैन विजिट देयर इंस्टाग्राम पेज, यू कैन टेक्स्ट देम ऑन व्हाट्सएप। ऑल्सो अगर आप मेरा रेफरेंस दोगे तो डिस्काउंट मिल सकता है आपको। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइस, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बाय द वे मैं भी पहली बार GoPro Hero 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी बिल्कुल एंगल का नहीं पता है, कैसा रखना है, कैसा मतलब माइक वगैरह इसमें वर्क करता है, कुछ नहीं पता। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बाकी धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।